डॉक्टर सोनल होम्योपैथिक क्लिनिक। डॉक्टर सोनल जी होम्योपैथिक में बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी सेवाएं निभा रहे हैं। बीते दिन हमारी पंजाब प्लस की टीम ने वर्ल्ड होम्योपैथिक डे पे डॉक्टर सोनल जी के साथ विशेष मुलाकात की। पेश है पंजाब प्लस की टीम से एक रिपोर्ट। नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनल चुग, होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट चंडीगढ़ में बेस्ड। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने फिर मुझे मौका दिया आपके चैनल के थ्रू, मैं पंजाब प्लस के थ्रू हम आपसे बात कर सकते हैं। आज हम मना रहे हैं अपने फाउंडर सैमुअल हैनेमैन का बर्थडे, जिसको सारी दुनिया आज वर्ल्ड होम्योपैथिक डे के रूप में मनाया जा रहा है। हम लोग भी यहाँ अपना वर्ल्ड होम्योपैथिक डे के रूप में इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज होम्योपैथी जिसको पहले लोग बहुत कम लोग जानते थे, आज हर घर में हर छोटा बड़ा होम्योपैथिक की वैल्यू समझ रहा है। होम्योपैथिक से आज इलाज इतना आसान है और हर चीज़ का इलाज है, चाहे वो हम कहें छोटी से छोटी प्रॉब्लम, एक्यूट प्रॉब्लम जिसको हम कहते हैं कि जो अभी हुई है थोड़े दिनों में, या फिर कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम जो पुरानी है, वो सब ठीक करने में आज होम्योपैथिक बहुत सक्षम है। किसी भी बीमारी का नाम लो आप, बड़ी से बड़ी बीमारी, कैंसर, ट्यूमर्स, ग्रोथ, हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, लिवर से रिलेटेड, ऑटिज्म बच्चों में जिसको हम आज बहुत कॉमनली सुन रहे हैं, हाइपर एक्टिव बच्चे जो हम, मेरे ख्याल 70-75% पेरेंट्स आज यही कह रहे हैं कि हमारा बच्चा हाइपर एक्टिव है, इस सब में होम्योपैथिक काम करने में बहुत सक्सेसफुल हुई है। होम्योपैथिक एक संपूर्ण, जिसको हम कहते हैं इट्स अ कंप्लीट हीलिंग, जिसको हम कहते हैं इसको कंप्लीट हीलिंग हम पेशेंट को दे पाते हैं। और हम लोग यहाँ पे होम्योपैथिक को एज अ होलिस्टिक हीलिंग हम लोग काम करते हैं, जिसमें हम साथ में मेडिटेशन, काउंसलिंग सेशंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इन सब को भी कवर करते हैं। जैसे मैं आपको बता रही थी कि क्रॉनिक प्रॉब्लम्स, जैसे हम बच्चों की बात कर रहे थे, ऑटिज्म, हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन, वीट एलर्जीज, आज ये सब चीज़ होम्योपैथिक से इसमें क्योर है। स्किन की बात करें तो एक्जिमा, कोई पैचेस, सोराइसिस, जिसका आपको कहीं कोई इलाज नहीं मिलता, होम्योपैथिक उसको ट्रीट करने में आज कामयाब है। आज एलोपैथिक जो डॉक्टर्स हैं, इवन वो अपने बच्चों को होम्योपैथिक दवाई देते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि जो एलोपैथिक है आगे जाके क्या साइड इफ़ेक्ट्स देती है, पर होम्योपैथिक एक सेफ, इफ़ेक्टिव और नो साइड इफ़ेक्ट वाला ट्रीटमेंट है। आज आप लोगों ने, मेरे ख्याल हर किसी ने इसको ट्राई भी किया होगा। बात करें हम सिंपल फ्लू की, उसमें भी हम लोग 2-3 दिन में स्वाइन फ्लू, जिससे दुनिया डरती है, होम्योपैथिक उसको ठीक करने में कामयाब हुआ है। अब जैसे आगे आगे डेंगू आने वाला है, तो उसमें होम्योपैथिक बहुत अच्छा काम करती है। तो कहाँ है जो होम्योपैथिक आपको ठीक नहीं कर सकती? सिर्फ एक थोड़ा सा विश्वास रखने की बात है, जो आज मेजॉरिटी पॉपुलेशन इंडिया में भी और बाहर की कंट्रीज में भी होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, योगा, इन सबको वो लोग इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। दिस इज़ अ नेचुरल वे ऑफ हीलिंग, जो हमें हमारे सैमुअल हैनेमैन ने हमें ये दिया था आज से कितने साल पहले। सो उसी उपलक्ष में हम लोग ये वर्ल्ड होम्योपैथिक डे मना रहे हैं। हमारे यहाँ पे सभी प्रॉब्लम्स, इवन एक्यूट एंड क्रॉनिक, हर तरह की उसमें केस लेके प्रॉपरली उसको ट्रीट करते हैं हम लोग होम्योपैथिक में। एंड एक हर पेशेंट की इंडिविजुअल मेडिसिन होती है, यही इसकी खासियत है। बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं आज होम्योपैथिक में, पर थोड़ा सा आपको फेथ और पेशेंस इसमें रखनी पड़ती है। डॉक्टर से आप पूरी बात कीजिए, पूरी अपनी हिस्ट्री दीजिए, उससे कुछ मत छुपाइए, तभी वो आपको प्रॉपरली ट्रीट कर पाएंगे। आज PCOS कितनी कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, जो 80% गर्ल्स PCOD या PCOS, हम जिसे कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, उससे मोस्टली बच्चे आज परेशान हैं। जो नेचुरल एक हार्मोन्स या पीरियड्स आने चाहिए, वो बच्चों में नहीं आ रहे हैं, तो क्यों, उसके लिए क्या इलाज है, क्या एलोपैथिक में उसका ट्रीटमेंट है? यस, होम्योपैथिक में उसका ट्रीटमेंट है। फुल क्योर आपको मिलता है 6 मंथ्स के अंदर, पर उसमें आपको रेगुलरिटी रखना बहुत ज़रूरी है। बाल्डनेस, आपके बाल झड़ते हैं, या स्किन पे कोई पैचेस आपके फेस पे होते हैं, वो भी ठीक करने में होम्योपैथिक बहुत इजीली उसको ठीक कर लेते हैं, अगर हमें पेशेंट का पूरा सपोर्ट मिलता है। अगर आप प्रॉपर हमारी दवाई को रेगुलरिटी से खाते हैं
और ऐसा भी नहीं है कि होम्योपैथिक में आज बहुत दवाइयां हैं या बहुत आपको परहेज़ करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। स्टडीज़ इतनी एडवांस हो गई हैं कि किसी किसी दवाई के साथ आपको कोई चीज़ बंद करनी पड़ती है, अदरवाइज दे आर क्विक मेडिसन्स। बिल्कुल भी इसके रिजल्ट स्लो नहीं हैं, दिस इज़ वेरी फास्ट एंड इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट। इट्स अ नेचुरल वे ऑफ ट्रीटमेंट, इसको एक मौका ज़रूर देना चाहिए। इवन कि कैंसर पेशेंट्स में भी इसको हम जो है हमने रिजल्ट्स देखे हैं, अगर हमें अर्ली स्टेज में मिल जाता है, इसका पता चल जाता है, तो होम्योपैथिक उसको क्योर करने में भी कामयाब है, नहीं तो मैनेज करने में तो उसको है ही। अभी हम अगर कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी लेते हैं तो कितने साइड इफ़ेक्ट्स उसके साथ में हैं, पर जो अगर हम ये होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देते हैं तो आप बिना साइड इफ़ेक्ट्स के एक क्वालिटी लाइफ लीड कर सकते हैं। बात करें हार्ट पेशेंट्स की, तो आज जो ब्लॉकेजेस हैं उसको रिमूव करने के लिए होम्योपैथिक बहुत अच्छा इलाज है। अगर आप उसको ट्रीटमेंट प्रॉपर करते हैं, आपको ना ही कोई एंजियोप्लास्टी ना ही कोई स्टंट डलवाना पड़ता है, पर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। आपकी हम लोग यहाँ जो है होम्योपैथिक को एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट की तरह देते हैं, जिसमें प्रॉपरली गाइडेंस भी दी जाती है कि आपको साथ में फिजिकल एक्टिविटी करना, डाइट का मैनेजमेंट करना, और किस तरह से आपको स्ट्रेस में रहते हुए भी अपने आप को मैनेज करना है। स्ट्रेस को हम दूर नहीं कर सकते, ये आज हर किसी के मुंह पे एक वर्ड है स्ट्रेस, पर उसमें ही आपको कैसे जीना है, खुश होके जीना है, वो ही हम बताते हैं अपने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ। इसी साथ मैं आपको फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, और आज हमारा जो वर्ल्ड होम्योपैथिक डे है उसको मनाइए, उसे समझिए, उसके अंदर के मीनिंग को समझिए और उसको अपनाइए। हम अभी यहाँ पे अपने स्टाफ में हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनसे भी बात करेंगे कि वो किस तरह से हम लोग ये होम्योपैथिक डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर गुरशरण है और मैंने अपनी BHMS सेक्टर 26 होम्योपैथिक कॉलेज से की है, और मैं मुझे 1 ईयर हो गया यहाँ डॉक्टर सोनल होम्योपैथी में जॉब करते हुए, और मुझे यहाँ पे बहुत सारी एक्सपीरियंसेस मिले हैं जो आज तक मुझे, जैसे बुक्स में हम पढ़ते थे एनाटमी फिजियो जो भी चीज़ें हमने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं सिर्फ हमें बुकिश पता था, वो यहाँ पे मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज उनकी बहुत ज़्यादा गेन हुई है। यहाँ पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट केसेस देखे हैं, काफ़ी एक्यूट केसेस भी, क्रॉनिक भी, जैसे स्किन केसेस हो गए, एक्जिमा हो गया, सोरियासिस हो गया, फीमेल प्रॉब्लम्स हो गए जैसे PCOS हो गया, डिफरेंट डिफरेंट जैसे कोई स्ट्रेस मैनेजमेंट यहाँ पे देखे, काउंसलिंग सेशन यहाँ पे देखे, जो कि मुझे अपने मतलब एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा, और मुझे ये हुआ कि बहुत ज़्यादा कुछ सीखने को मिला होम्योपैथी का। और आज 264th हैनिमन का बर्थडे है, और आज हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं जो कि फाउंडर ऑफ होम्योपैथी थे, जो कि लोगों का मानना था कि पहले कि होम्योपैथी बहुत स्लो करती है, बहुत ज़्यादा इसका मतलब काफ़ी टाइम हमें वेट करना पड़ता है तब जाके इसके रिजल्ट्स हैं, जबकि ऐसा नहीं है। होम्योपैथी का अगर प्रॉपर से हमने केस टेकिंग लिया जाए, अगर प्रॉपर से हमें उसकी मेडिसिन निकाली जाए, तो बहुत अच्छा इसका ट्रीट हम कर सकते हैं, और इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट हमने प्रॉपर मेडिसिन दी हो। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और मुझे बहुत कुछ सीखने को यहाँ से मिल रहा है, और डॉक्टर सोनल जो कि मुझे बहुत ज़्यादा मतलब उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, कि मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू हर कि मुझे जो भी इतना कॉलेज से भी इतना नहीं हो रहा था, जबकि मुझे प्रैक्टिस होके काफ़ी कुछ गेन करने में मतलब मुझे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ है। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनमीत कौर, मैं चंडीगढ़ से ही हूँ। मुझे 5 ईयर्स हो गए हैं डॉक्टर सोनल होम्योपैथिक ज्वाइन किए हुए, और मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला यहाँ पे, और मैंने काफ़ी केसेस देखे हैं जो क्रॉनिक से क्रॉनिक भी हैं और वो क्योर भी हुए हैं, और मेरा ट्रस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया होम्योपैथिक के साथ। और मैं चाहती हूँ कि सारे एलोपैथिक को भी अवॉइड करके पहले होम्योपैथी ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि ये जड़ से मिटाती है मेडिसिन जो है हमारी जो क्योर जो डिसीज़ होता है। और आज डॉक्टर हैनिमन्स का बर्थडे है जो कि फाउंडर है हमारे होम्योपैथिक के, और मैं चाहती हूँ कि सारे होम्योपैथिक ट्राई करें एक बार, और मैं 5 स्टार देना चाहती हूँ होम्योपैथिक को, जो कि बहुत आगे आ गई है आजकल हमारी ये होम्योपैथी है जो। और थैंक यू सो मच। हाँ जी, मेरा नाम बलविंदर कौर, मैं किडनी की पेशेंट हूँ। मैं जब हॉस्पिटल एडमिट होती हूँ तो मेरे को डायलिसिस के लिए बोलते हैं, लेकिन मैंने यहाँ डॉक्टर सोनल से मेडिसिन ली है जिससे मेरा क्रिएटिनिन जो है वो बहुत कम हो गया। जब हॉस्पिटल में 8 था तो इनकी शुरू से, मेरे को 3 साल हो गए इनसे मेडिसिन खाते हुए,
लेकिन जब कभी मेरे को सांस की तकलीफ होती है तो मेरे को हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ता है, लेकिन वहाँ मैंने कभी भी डायलिसिस से बच के मैं आती हूँ और इनकी मेडिसिन से मैं ठीक हो जाती हूँ। और भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं हमेशा इन्हीं से मेडिसिन लेती हूँ। मैंने एलोपैथिक जाना जरूर पड़ता है डॉक्टर के पास, लेकिन मैंने कभी एलोपैथिक मेडिसिन खाई नहीं है। मैं होम्योपैथिक से बिलीव करती हूँ, शुरू से होम्योपैथिक में बिलीव करती हूँ। हाँ जी, मेरा नाम जसवीर कौर है। मैं इतने डॉक्टर सोनल जी के कोल आती है, मैं गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम रहती है तो वो दवाई मैं लेनी है, मैं उसके बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ जी। और मैं आर्थराइटिस भी है, वो भी मेडिसिन लेनी है मैं। हाँ जी, वो भी मैं हूँ बहुत आराम है उसके। अभी आपने सुना, ये हमारे कुछ स्टाफ मेंबर्स थे और कुछ पेशेंट्स के आपने फीडबैक सुने। तो होम्योपैथिक को अब आप क्या सोचते हैं, चांस देना चाहिए हर बीमारी में? ज़रूर देना चाहिए। जीना सीखिए, जीना सीखिए होम्योपैथिक के संग। एक मौका उसको देकर देखो कि लाइफ आपकी किस तरह से बदल जाती है, कैसे जो आपके आप एक से एक बीमारियां बढ़ती जा रही हैं आपके इलाज करने के बावजूद भी, तो अगर हम होम्योपैथिक लेते हैं तो वो आपकी इम्यूनिटी को कितना इम्प्रूव करता है, आपको कैसे आने वाली बीमारियों से बचाता है, उसमें एक मौका उसको ज़रूर देना चाहिए। इस वर्ल्ड होम्योपैथिक डे पे मेरी यही आप लोगों तक मैसेज पहुंचाना है कि लिव विद होम्योपैथी, स्टार्ट लिविंग विद होम्योपैथी एंड ऑलवेज गिव अ चांस टू होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक अप्रोच का मतलब कि हमें सब चीज़ों को लेके चलना चाहिए, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट प्लस स्ट्रेस मैनेजमेंट, अपने आप को हमने कैसे मैनेज करना है। अगर आज हमने अपने आप को मैनेज करना सीख लिया तो शायद हमें होम्योपैथिक की भी ज़रूरत ना पड़े, हमें किसी ट्रीटमेंट की ही ज़रूरत ना पड़े। पर उस तक पहुंचने के लिए पहले हमारे को अपनी बॉडी को ठीक करना पड़ेगा, तभी हम अपने माइंड पे, माइंड अगर हमारा एक बार कंट्रोल हो गया, अगर हमने अपने थॉट्स को कंट्रोल कर लिया तो हमारी बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। वी लिव वेरी हेल्दी, यंग और एनर्जेटिक रह पाएंगे। आज यही माइंड जो है ये सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है हमारी हर बीमारी में। हम कोई सिर्फ हेल्थ, ये नहीं है कि हम फिजिकली अगर हेल्दी हैं तो हम हेल्दी हैं, नो, हमें मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली तीनों तरह से हमें हेल्दी होना ज़रूरी है। तो इन तीनों एस्पेक्ट्स पे हमें काम करना चाहिए। आज की जनरेशन, बच्चों को ये ज़रूर विरासत में दे के जाओ कि मेंटली, स्पिरिचुअली एंड फिजिकली इन तीनों चीज़ों को वो बैलेंस रखें। किस तरह रख सकते हैं? मेंटली अपने आप को हेल्दी रखने के लिए हमें अच्छे थॉट्स, गुड थॉट्स ज़रूरी हैं। हमें देखना होगा कि हम किस कंपनी में जा रहे हैं, वहीं से हमारे विचार बनते हैं। सो वो तभी आपका माइंड हेल्दी हो सकता है। स्पिरिचुअली के लिए आपको ये नहीं है कि सारा दिन आपको पाठ पूजा करनी है, आप अच्छे काम कर सकते हो, अच्छे कर्म कर सकते हो, आप किसी की हेल्प कर सकते हो, आप सेवा कर सकते हो। हम लोग दो वैल्यूज़ पे, हमने ये जो होम्योपैथी अपना शुरू किया था आज से 23 ईयर्स पहले हमने ये शुरू किया था अपने सेंटर, आज हमारा वर्ल्ड, इंडिया के कोने कोने में हमारे पेशेंट्स हैं। हमारे सिर्फ दो ही वैल्यूज़ हैं जिस पे हम चलते हैं, लव ऑल, सर्व ऑल, हेल्प एवर, हर्ट नेवर। अगर ये दो चीज़ें अपना लें लाइफ में तो आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाती है। थैंक यू सो मच, मैं डॉक्टर सोनल चुग, बहुत अच्छा लगा पंजाब प्लस के चैनल से आपसे बात करके। नाउ वी आर सेलिब्रेटिंग द वर्ल्ड्स होम्योपैथिक डे और अभी हम यहाँ पे केक भी काटेंगे और सेलिब्रेशन करेंगे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू।